हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने देख लिया था कि अब जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके बाद से अब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। एट द सेम टाइम हम लोग जरा देख लेते हैं कि साउथ इंडिया में किस तरीके की डायनेस्टीज हैं और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे संगम पीरियड के बारे में, संगम काल के बारे में। इस डायनेस्टीज में हम लोग देखेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी एंड चोल, चेर और पांड्य डायनेस्टीज के बारे में, जहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो है चालुक्य और साथ ही साथ में पल्लव और चोल डायनेस्टी। और थोड़े से कुछ कह लीजिए फैक्ट्स हैं बेसिकली चेर हो गया और पांडे के बारे में, तो ये हम लोग देख लेंगे विद द डिस्कशन विद द टाइम क्या चीज है इसमें। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग पल्लव डायनेस्टी के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक, बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के भी एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी स्टार्ट हो गई है जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिया गया है, प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगा, जहां पर आपकी प्रिलिम्स के भी 100 क्वेश्चंस आपको मॉक कराए जाएंगे, साथ ही साथ में मेंस के भी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट का कवरेज भी रहेगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड ऑल दैट सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। अगर हम लोग देखें साउथ इंडिया के बारे में, तो साउथ इंडिया में हमें पता है कि जब सातवाहन डायनेस्टी चल रही थी, उस सातवाहन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज निकल करके सामने आई थी। जैसे एक डायनेस्टी थी जो चालुक्य डायनेस्टी थी, हालांकि चालुक्य के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे ये चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, लेकिन चालुक्य के साथ साथ वाकाटक डायनेस्टी भी सामने आई थी। वाकाटकों के अलावा जो डायनेस्टी सामने आई थी वो थी इक्ष्वाकु डायनेस्टी। दिस इज इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो ये जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, यही जब डिसइंटीग्रेट होती है, कह लीजिए खत्म होती है, तो यहीं पर पल्लव डायनेस्टी सामने निकल करके आती है। अगर इनके एरियाज के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहां पर आपको दिखने को मिलेगा दिस इज बेसिकली चालुक्याज। चालुक्य जो है बेसिकली तीन एरिया में फैले हुए थे, एक जो बादामी में फैले थे, दूसरा जो वेंगी में फैले थे और तीसरा एक कल्याणी में फैले हुए थे। दिस इज कल्याणी, यहां पर बेसिकली फैले हुए थे। हालांकि इस एरिया में सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी वो थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और राष्ट्रकूट के ही जो लास्ट रूलर हैं कर्क टू, इन्हीं को हरा करके अल्टीमेटली तैलप टू ने कल्याणी में चालुक्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। तो बेसिकली चालुक्य के हमें तीन स्टेजेस देखने को मिलते हैं और इन तीनों स्टेजेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। चालुक्य का एक फुल फ्लेज्ड काफी डिटेल्ड डिस्कशन होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर आपको पल्लव डायनेस्टी मिलेगी, साउथ में अगर आएंगे तो चोल, चेर और पांड्य डायनेस्टीज भी देखने को मिलेंगी। कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर में इनकी डायनेस्टी जो है वो फैली कैसे है। तो देखिए इसको देखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ऊपर में यहां पर देखिए दिस इज गोदावरी रिवर, ये गोदावरी रिवर निकलती है। गोदावरी रिवर से लेकर के कृष्णा रिवर तक की जो टेरिटरी है, गोदावरी से कृष्णा के बीच की जो टेरिटरी है वो चालुक्य की टेरिटरी थी। तो दिस इज बेसिकली गोदावरी रिवर और यहां पर बेसिकली कृष्णा रिवर आ जाती है। कृष्णा रिवर से लेकर के अगर साउथ में आते हैं आप और पिन्नार रिवर तक देखेंगे तो दिस इज बेसिकली पिन्नार रिवर। इन दोनों के बीच में जो टेरिटरी है, जो डायनेस्टी है, बेसिकली है पल्लव डायनेस्टी। सिमिलरली अगर साउथ में आप आ जाएंगे, साउथ में देखेंगे तो यहां पर कावेरी रिवर है, कावेरी के जस्ट नीचे वैगई रिवर है। कावेरी तक जो डायनेस्टी है, ये डायनेस्टी जो है हम लोग बात करेंगे आगे, चोल डायनेस्टी रहती है और इस तरीके से चोल। साउथ में अगर आ जाएंगे तो पांड्य का इलाका है जो वैगई नदी के साउथ में है और बचे हुए जो एरिया है वहां पर चेर डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया का एक ओवरऑल डिस्कशन है टेरिटरी को लेकर के, जो आपको विद द टाइम डिस्कशन करते हुए हम लोग देखते रहेंगे। अब जरा फटाफट शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले डायनेस्टी हमारी और आज का डिस्कशन, दैट इज द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव के बारे में अगर एक ओवरऑल समरी केवल देखा जाए तो पल्लव इमर्ज्ड एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन द साउथ अराउंड द 4th सेंचुरी एडी।
सातवाहन डायनेस्टी का एंड हुआ था, सातवाहन के बाद थोड़े समय के लिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, और इस इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बाद 4th century AD में यही जो है पल्लव डायनेस्टी राइज कर गई थी। पल्लव डायनेस्टी का अगर एम्पायर देखेंगे तो ये एम्पायर हालांकि वैसे तो वेरिएबल रहा है, मतलब कि टेरिटरी को एक्सपैंड और ये लोग छीनते और देते गए हैं, लेकिन फिर भी अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो साउथ आंध्र प्रदेश से लेकर के नॉर्थ तमिलनाडु तक का जो एरिया था ये बेसिकली पल्लवों के अधिकार क्षेत्र में था, पल्लवों के एम्पायर में था, एंड वर एट द हाइट ऑफ देयर पावर इन द 7th century AD। तो नियर अबाउट आप देख सकते हैं कि 500 साल तक ये बेसिकली जो पल्लव डायनेस्टी है वो रूल की थी। दे बिल्ट ग्रेट सिटीज, सेंटर ऑफ लर्निंग, टेम्पल, स्कल्पचर एंड इन्फ्लुएंस अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन द कल्चर। इनके टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, दैट इज द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के अंदर में दो सेक्ट होते थे, एक होते थे जो भागवत सेक्ट यानी वैष्णव सेक्ट बोला जाता है, और दूसरे थे जो शैवाइट सेक्ट थे। इन शैवाइट सेक्ट में अगेन दो पार्ट में बट गया था, दैट इज द नयनार अपनार। तो हम लोग बेसिकली इस पूरे भक्ति मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे की क्लासेस में, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए केवल कि हाँ इस काल में, इस टाइम पीरियड में, इस डायनेस्टी में ये हमें अलग अलग जो है भक्ति मूवमेंट्स देखने को मिल जाती है, स्टार्ट हो चुकी थी। पल्लव्स वर द नेटिव्स ऑफ तोंडई मंगलम, दे वर आल्सो आइडेंटिकल विद द पुलिंदास मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोका ने जो भी इंस्क्रिप्शन बनवाया था उसमें पल्लवों का भी मेंशन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगर तो देखते हैं आगे क्या चीज है। द ओरिजिन ऑफ द पल्लवास वाज श्राउडेड इन द मिस्ट्री एंड देयर वर सेवरल थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय हिस्टोरियंस। यहां पर सीन ये है कि पल्लव कहां से आए, कौन थे, क्या था, तो इसके बारे में देखिए अगेन कोई भी एक कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है। इसके लिए सब लोग केवल और केवल अपना एक आइडिया देते हैं, केवल कुछ लोगों के आइडिया ज्यादा कह लीजिए फेमस हैं, ज्यादा लोग मानते हैं उसको, तो उन आइडियाज में हम लोग देखते हैं क्या क्या आइडियाज हैं। तो इसमें आइडियाज हैं कि सम हिस्टोरियंस से दैट देयर आर ब्रांच ऑफ पहला ऑफ द पार्थियंस हु मूव्ड टू द साउथ। तो बेसिकली जो पार्थियंस को हटाया गया था, हराया गया था गुप्ता के द्वारा, और इन्हीं की एक ब्रांच बेसिकली मूव करके चली आई थी पल्लव डायनेस्टी के फॉर्मेट है साउथ इंडिया में, और जैसे ही डायनेस्टी सातवाहन डायनेस्टी वीक होती है वैसे ही ये डायनेस्टी राइज कर जाती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो है यहीं की साउथ इंडिया की ही बेसिकली इंडिजिनस डायनेस्टी है, एंड दैट अरोज विद इन द सदर्न रीजियन एंड वर अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ट्राइब्स। कई लोग कई कह लीजिए ट्राइब बेसिकली मिलकर के पल्लव डायनेस्टी बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं ये नागा ओरिजिन के लोग हैं और बेसिकली यहां पर आकर के ये लोग बस गए थे, सेटल हो गए थे नियर मद्रास, और यहीं से डायनेस्टी निकल करके आई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं कि एक नागा प्रिंस और चोल प्रिंस और नागा प्रिंसेस ये दोनों के दोनों बेसिकली डिसेंडेंट्स हैं इन दोनों के, और यहीं पर ये लोग जाफना में जाकर के बस गए थे और यहीं से ये पल्लव डायनेस्टी निकल करके आई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं ये सातवाहन के फ्यूडेटरीज थे, सातवाहन के सामंत थे, और इनफैक्ट ये जो लास्ट वाली आइडिया है, लास्ट वाली थॉट है कुछ ज्यादा ही इसके समर्थक है, कुछ ज्यादा इसके लोग मानने वाले हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ सातवाहन जो है सातवाहन के ये फ्यूडेट्स हुआ करते थे, फ्यूड्स हुआ करते थे पल्लव, और इन्हीं के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये लोग राइज कर गए थे। लेकिन अगेन आपको ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। जब तक देखिए किसी के बारे में हमें लिटरेचर मतलब कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है तब तक हम इसको ऐसे ही थॉट के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। सबके लिए देखिए आपने अपने क्योंकि सबने इंस्क्रिप्शंस के ही फॉर्मेट में अपने जो भी बोला है उसका जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। द मोस्ट जस्टिफाइड थिंग हियर इज द फ्यूडेटरीज कंसेप्ट कि यह सातवाहन के फ्यूड्स हुआ करते थे। द फर्स्ट पल्लव किंग ruled during the beginning of the 4th century AD and by the 7th century there were 3 kingdoms in the southern India vying for a supremacy, namely कौन कौन सी तीन हो जाती है। एक हो जाती है जो बादामी के चालुक्य हो जाते हैं, दूसरे मदुरई के पांडे हो जाते हैं, और पल्लव के कांचीपुरम हो जाते हैं। तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो सामने निकल करके आई थी। हालांकि इसके अलावा चेर
और चोल डायनेस्टी भी थी, बट उस समय की अगर बात करें तो केवल यही तीन डायनेस्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। पल्लव के बारे में अगर बात किया जाए तो पल्लव इनकी राजधानी कांचीपुरम में थी एंड देयर टेरिटरी एट द हाइट ऑफ देयर पावर एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्रा टू द रिवर कावेरी इन द साउथ। अभी देखिए यहां पर चोल डायनेस्टी को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, इनिशियल डेज की ये टेरिटरी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बाद में चोल ने इनकी टेरिटरी को कह लीजिए एनेक्स कर लिया था और इस तरीके से इनका जो एरिया था वो अब नदन आंध्र प्रदेश या फिर सदन आंध्र प्रदेश जो भी बोलिए वहां से लेकर के नदन तमिलनाडु तक ही केवल रह गया था। उसके नीचे की जो डायनेस्टी उसके नीचे का जो एरिया था वो चोल ने कैप्चर कर लिया था और अल्टीमेटली वैगई के नीचे जो एरिया था वो पांड्य के एरिया में आ गया था। तो जो वातापी या बादामी है बेसिकली इट वॉज ऑक्युपाइड बाई द पल्लव किंग नरसिंह वर्मन हु डिफीटेड द चालुक्यास। तो इनफैक्ट जो वातापी है ये चालुक्यों की कह लीजिए इनिशियल टेरिटरी में आती थी, लेकिन इस इनिशियल टेरिटरी में बेसिकली पुलकेशिन रहता और ये पुलकेशिन जो है वो नरसिंह वर्मन से हार जाता और इस तरीके से जो वातापी का एरिया है वो अब चालुक मतलब कि पल्लव के अंडर में आ जाता है। बात करेंगे इसको अभी हम लोग जब थोड़ा लड़ाई वड़ाई लड़वाएंगे तो आपको समझ में आएगी पूरी कहानी क्या कहानी है। इसके बाद से एक छोटी सी डायनेस्टी धीरे धीरे निकल के आती है, दैट इज अप कलाभ्रास। इसकी अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है विद इन दीज टेरिटरीज ऑफ साउथ इंडिया और ये जो टेरिटरी कलाभ्रास जो अपराइज हो रही थी इनको तीनों ने मिलकर के, तीनों मतलब पांड्य चालुक्य और पल्लव, इन तीनों ने मिलकर के इसको दबा दिया था। कलाभ्रास वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यूमरस लैंड ग्रांटेड ब्रह्मदिया टू ब्राह्मणास मेड बाई ब्राह्मणिक रूल्स ऑफ दीज डायनेस्टी। सो जितनी भी लैंड ग्रांट में दे दिए जाते थे उसके ये अगेंस्ट में ये लोग थे, चालुक्य पांड्य और पल्लव, जो कि कलाभ्रास को दबा दिए थे। क्लियर हो गया क्या चीज है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज द पल्लव डायनेस्टी का पूरा जो है एक डायनेस्टी रूल है कि कौन से कहां से कैसे आए। तो इनके जो फाउंडर है उनका नाम आप लोग देख रहे होंगे, दिस इज द सिंह वर्मन इनकी डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। इसके बाद से सिंह वर्मन दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था सिंह विष्णु और दूसरे थे भीम, लेकिन सिंह विष्णु इसमें से बड़े थे और ऑब्वियसली इनकी जो डायनेस्टी है वही आगे बढ़ी। सिंह विष्णु के बाद जो अगले रूलर बनते हैं उनका नाम रहता है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद अगले रूलर बनते हैं नरसिंह वर्मन, इसके बाद से महेंद्र वर्मन टू, परमेश्वर वर्मन वन, फिर नाग नरसिंह वर्मन टू और लास्टली जो है परमेश्वर वर्मन टू बनते हैं। परमेश्वर वर्मन टू के बाद फिर भीम डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं और इसमें से एक रूलर होता है नंदीवर्धन, ये राजा बनता है। यही कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो राजा लोग हैं उनका नाम है, हालांकि है तो बहुत सारे लेकिन इतना ज्यादा आपको देखिए ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी सी कहानी आप लोग इन राजाओं के बारे में जान लीजिए जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेरिटरी पहले देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो टेरिटरी है वो किस तरीके से फैली हुई है। तो यहां पर एक्चुअली क्या है कि चालुक्यास थे, चालुक्यास जो है वो राइज कर गए थे वेंगी वादामी इस एरिया में। तो बेसिकली यहां पर वादामी अगर मान लेते हैं दिस इज सपोज आवर इंडिया एंड यहां पर चालुक्यास है, तो यहां पर बेसिकली पल्लवास जो है वो निकल करके आए थे। इन पल्लवों के साथ में सीधी सी बात है, अच्छा ऊपर कौन सी डायनेस्टी है? ऊपर जो है पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के लिए आप लोगों ने सुना ही था कि पुलकेशिन के साथ ये साउथ इंडिया में जब आया था पुलकेशिन के साथ में इसका वॉर हुआ था और जो पुलकेशिन था वो चालुक्य ही था। तो यानी पुलकेशिन ने हर्षवर्धन के साथ में वॉर लड़ा था, हर्षवर्धन का ये जो साउथ एनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसको वहीं पर खत्म कर दिया था। तो खैर चालुक्यास तो यहां पर है, वेंगी यहां पर आता है, दिस इज द बादामी एंड दीज टू टेरिटरीज वर अंडर चालुक्यास। बात करेंगे इनके भी भाई भतीजावाद का केस हुआ था, नेपोटिज्म का केस हुआ था जिसके कारण से स्टेबिलिटी लाने के लिए ही ये काम किया गया था कि बादामी एक लोग ले लिए थे, पुलकेशिन ले लिया था और फिर वेंगी जो है वो दूसरे अपने भाई को दे दिया गया था जिससे कि आपस में मारपीट ना हो। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके भी बारे में, इनकी भी डिटेल देखेंगे। फिलहाल अगर देखें तो ये एरिया जो है वो पल्लव के अंतर्गत में है और यहां पर चालुक्या के अंतर्गत में है। ठीक है, वन बाय वन करके अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग सिंह वर्मन के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह वर्मन
यहां पर देखिए सिंह वर्मन या फिर इसी को शिवा स्कंद वर्मन भी कहा जाता है, ये बेसिकली फाउंडर है इस रूल के। तो ग्रेटली ग्रेटेस्ट अमंग द अर्ली रूलर रूल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द 4th century AD ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ एज वेल एज अदर वैदिक सेक्रीफाइसेस, बाकी और भी जितने भी यज्ञ होते हैं उनको भी इन्होंने परफॉर्म किया था। यज्ञ जो है वो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप ऑफ यज्ञ, इनके बारे में तो आपको बता ही है, बता रखा था हमने। आगे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं सिंह वर्मन या फिर सिंह विष्णु, इन्हीं को बोलते हैं। ही वॉज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट और काफी स्ट्रॉन्ग रूलर रहता है, हालांकि ये बुद्धिस्ट रहता है लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है वैष्णव सेक्ट में। दिस इज द वैष्णव या फिर भागवत भी इसी को बोलते हैं, तो भागवत या फिर वैष्णव सेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर जाकर के आगे जाकर के एक टेम्पल भी बनवाता है जिसका नाम रहता है आदि वराह गुहा टेम्पल। दिस इज आदि वराह गुहा टेम्पल, याद बहुत आराम से रख सकते हैं, नाम में देखिए विष्णु है तो अपने आप विष्णु सेक्ट हो गया, खत्म हो गया कहानी इसकी। दिस इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम, एक्चुअली इसने जो है वो लगभग लगभग हर एक एरिया में वॉर लड़ा था, चाहे वो चोल हो, चेर हो, या फिर साउथ के पांडे हो, या फिर मलय पेनिनसुला हो, श्रीलंका हो, तो सबके साथ में इन्होंने वॉर लड़ा था और अल्टीमेटली अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया था। He defeated the contemporary Tamil ruler. Pallav history assumes a defined character from this ruler onward. तो इस तरीके से बेसिकली जो है चारों ओर में इनकी जो छवि है, इनकी जो फेम है, वो फिर फैल गई कि हाँ he is a strong and very powerful ruler. इसके बाद में जो next ruler आते हैं वो आते हैं महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन जो रहते हैं ये उतना ज्यादा कह लीजिए पावरफुल नहीं रहते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में इनकी बड़ी बहुत मन करता है। तो ही सक्सीडेड सिंह विष्णु हु वॉज हिज फादर, ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड विचित्र चित्र एंड महाविलास प्रहसन। एक्चुअल में इनका टाइटल ये सब रहता है, तो टाइटल के नाम पर आप याद कर सकते हैं जैसे मत विलास या फिर महाविलास, दोनों इनका नाम बोला जाता है, या फिर विचित्र चित्र जो है बोला जाता है। तो ये बेसिकली इन्होंने कुछ राइटिंग्स की हुई थी। इंट्रोड्यूस्ड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, ही वॉज अ जैन हु कन्वर्टेड इंटू शैविज्म। तो ये बेसिकली शैविज्म शैवाइट्स में कन्वर्ट हो गए थे और शैवाइट में कन्वर्ट कराने वाले जो है अपर थे इनके, तो अपर मतलब कि एक शैव संत थे जो इनको अप मतलब कि शैवाइट्स में शैविज्म में कन्वर्ट कराए थे। हैड एन ऑन गोइंग राइवलरी एंड बैटल विद पुलकेशिन टू। तो एक्चुअल में क्या है कि पुलकेशिन टू के साथ में कंपटीशन राइवलरी स्टार्ट हो गई थी इसी समय से, और बेसिकली बैटल जो है मतलब कि आपस में जो है ये लोग मारपीट करना शुरू कर दिए थे। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इनकी आपस में नेबरहुड है, नेबरहुड है तो सीधी सी बात है लड़ाई तो होना ही होना है। तो महेंद्र वर्मन के टाइम से ही ये लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और महेंद्र वर्मन जो पुलकेशिन टू रहता है ये महेंद्र वर्मन को हरा देता है। महेंद्र वर्मन डाइड इन द बैटल विद द चालुक्यास, ही वॉज एन एबल एंड इफिशियंट रूलर। महेंद्र वर्मन के बाद फिर इनका लड़का नरसिंह वर्मन वन राजा बनता है और ये रहता है स्ट्रॉन्ग रूलर और ये अपने पिताजी के मरने का बदला मतलब कि पुलकेशिन के अगेंस्ट में ये रहता है और पुलकेशिन को ये 3 बार हराता है। तो ही इज सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन, ही कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द पल्लव आल्सो कॉल्ड नरसिंह वर्मन, या इन्हीं को महामल्ल या मामल्ल भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने पुलकेशिन को तीन बार हराया था। तो पुलकेशिन टू को इन्होंने 3 बार हराया था, तीनों का नाम मतलब कि जो वॉर है वो भी याद रखिएगा इस तरीके से। दिस इज शूर मार परमार, याद रखने के लिए केवल और केवल मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिक यू कैन से। तो शूरमार बेसिकली दिस इज अ बैटल ऑफ शूरमार, तो बैटल ऑफ शूरमार जो है इसमें भी पुलकेशिन को हराया था। फिर परमार को 2 पार्ट में आप तोड़ दीजिए, दिस इज परियाल का वॉर, दिस इज परियाल वॉर, और परमार की जगह आप मार से मतलब मणिमंगलम का वॉर आप याद कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 वॉर हुए थे जिसमें नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन टू को हरा दिया था। हराने के बाद जो वादामी का इलाका है, दिस इज वातापी या वादामी जो भी बोलिए, ये इलाका कैप्चर कर लिया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा।
और इन्होंने फिर एक टाइटल लिया, अपना नाम बदला, टाइटल लिया एंड वातापिकोंडा, वातापिकोंडा इन्होंने अपना एक नाम रखा। वातापिकोंडा का मतलब होता है वातापी को जीतने वाला, कोंडा मतलब जीतने वाला। तो इन्होंने ये अपना अधिकार किया था, अपना नाम मतलब टाइटल इन्होंने महामल्ल या फिर मामल्ल रखा था, और इसी के नाम पर इन्होंने एक नया कह लीजिए सिटी भी बसाया था, दैट इज महामल्लपुरम, जिसे बाद में जो है महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, महाबलीपुरम, दिस इज इन द साउथ, महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इन्होंने फिर जो है कई सारे टेंपल वगैरह भी लगवाए हुए थे। ही डिफीटेड एंड किल्ड पुलकेशिन, ही टुक कंट्रोल ऑफ वातापी, जैसे वातापी भी मैंने बताया ही ना, वातापी पे कंट्रोल कर लेता है, एंड द चालुक्य कैपिटल एंड अज्यूम द टाइटल वातापी कोंडा, वातापी कोंडा जो है बेसिकली वो टाइटल ले लेता है। ही ऑल्सो वैनिस्ड द चोल चेर एंड पांड्य, तो एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग रूरल रहता है और ये आसपास की जो टेरिटरीज है उनको भी कैप्चर कर लेता है। ही सेंट अ नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका एंड रीइंस्टेटेड द सिंघली प्रिंसेस मनी वर्मा, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ महामल्लपुरम लाइक जो मैंने बताया एंड महाबलीपुरम विच इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो बेसिकली ये इतने सारे के सारे काम करता है। इसके टाइम पर ही ह्वेनसांग भी जो है वो पल्लव किंगडम में आता है और देखता है और बेसिकली बताता है कि ये किंगडम है, ये जो राज्य है, यहाँ पर लोग बड़े हंसी खुशी से रहते हैं। अगर इनफैक्ट यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकाल दिया जाएगा तो बड़ा बहुत हाई फाई आ जाएगा, भूटान टाइप का आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर लोग हैप्पी रहते हैं। इनफैक्ट ही कंपेयर्ड डायमंड विद दिस अंपायर, इतना अच्छा इन्होंने अंपायर बोल दिया था। ही ऑल्सो सेज देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके अलावा ग्रेट नयनार सेंट लाइक अपर, और इन्होंने जो है बेसिकली इस रीन में ये लोग थे और अपना जो सेविज्म है उसी को ये आगे प्रोफेस करा रहे थे, आगे जो होता है इसको बढ़ा रहे थे। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन महेंद्र वर्मन टू, हु रूल्ड फ्रॉम 668 टू 670। अब देखिए आप देखेंगे खाली दो ही साल तक ये रूल किया हुआ है, इसमें ऐसा क्या हुआ, ऑब्वियसली कोई ना कोई वॉर हुआ होगा और ये मारा गया होगा। होता क्या है, पुलकेशिन टू अब हार गया तो पुलकेशिन टू का बदला लेने के लिए पुलकेशिन का फिर लड़का आता है, तो ऑब्वियसली ये जो है अब कह लीजिए कि खानदानी युद्ध हो गया है। तो यहां पर क्या है कि ये पुलकेशिन का जो बेटा रहता है दैट इज द विक्रमादित्य, ये आता है और महेंद्र वर्मन को मार देता है, ठीक है, तो इसका मर्डर कर देता है। तो महेंद्र वर्मन के बाद ऑब्वियसली फिर दूसरा राजा बनेगा और दूसरे राजाओं में फिर महेंद्र वर्मन के बाद परमेश्वर वर्मन वन बनते हैं, परमेश्वर वर्मन वन के बाद नरसिंह वर्मन टू बनते हैं ना, उसके बाद से बहुत सारे और भी राजा बनते हैं, लेकिन लास्ट में नंदी वर्मन बनता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, जो भीम डायनेस्टी का था। दिस वॉज द भीम हु वॉज सेकेंड ब्रांच ऑफ द जो पल्लव डायनेस्टी थी। तो इसमें भीम जो ब्रांच थी वहां पर नंदी वर्मन बनते हैं राजा, लेकिन अगेन यहाँ पर जो कह लीजिए पावर है, जो एम्पायर है, जो थ्रोन है, उसके खिलाफ अगेन सिविल अनरेस्ट फैल जाता है, आपस में ही गृह युद्ध हो जाता है और इस कारण से अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है, पूरा जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इस तरीके से पल्लव डायनेस्टी का एंड हो जाता है। लेटर रूलर्स में देख लीजिए यहाँ पर आफ्टर महेंद्र वर्मन परमेश्वर वर्मन राजा बनता है एंड ड्यूरिंग हिज रूल कांचीपुरम वाज ऑक्युपाइड बाय चालुक्यास, क्योंकि वीक है, सीधी सी बात है, विक्रमादित्य आकर के जो है इस पे कैप्चर कर लेता है। नृत पतुंगा वाज एन इंपॉर्टेंट किंग हु डिफीटेड है पांड्य किंग। तो देखिए ऐसा याद करने की इतना जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब जो है वो समथिंग रिलेटेड विद द हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कि ये कह लीजिए कि जो है क्रोनोलॉजी वाइज है, जो कि हमारे सिलेबस में ऐसा तो नहीं आता है, लेकिन खैर जस्ट फॉर आइडिया कि हाँ आखिर में क्या हुआ था, एंड में इनके साथ क्या हुआ, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है। इस वजह से ही हम लोग इनके डायनेस्टीज और इनके रूलर्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं, इससे आइडिया लगता है बेसिकली डायनेस्टी में एक्चुअली क्या हुआ। अब हम लोग जरा आते हैं मेन अपने मुद्दे पे, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल अफेयर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। तो जो पल्लव थे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू कोटम्स, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, देखिए यहां पर नाम जो है बहुत अलग अलग आने वाला है क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो वही ग्राम हो गया, फिर उसके बाद से जो भोग हो गया, विषय हो गया, तो अलग अलग तरीके से नाम रहते थे, लेकिन वो नाम बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा फैमिलियर होगा, लेकिन जो साउथ इंडिया का है वो संगम लिटरेचर से आया है और इस वजह से इनका जो नाम है द्रविडियन कल्चर होने के कारण से जो नाम है
वो थोड़ा द्रविड़ टाइप का रहने वाला है. तो यू विल फाइंड सम संस्कृत वर्ड्स हियर ऑल्सो, जहां पर जो है आपको थोड़ा सा मे बी अटपटा सा लग सकता है. खैर यहां पर जो पल्लव जो स्टेट है उसको कोट्टम में डिवाइड किया गया था, और कोट्टम बेसिकली जो है जो राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स थे वो इन कोट्टम में जा करके एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. यू कैन से जस्ट लाइक अ गवर्नर रूल, कि गवर्नर को भेज दिया गया और वहां पर जाकर के अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेरिटरी में अपना रूल कर रहे हैं. इसके अलावा इरिगेशन टैंक्स भी जो है कई सारे डग किए गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया थोड़ा सा कह लीजिए कि वाटर डेफिसिट रीजियन है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां भी हैं वो रेन फेड नदियां हैं, सब ज्योग्राफी में आप लोग जानते ही होंगे. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो इरिगेशन वर्क है वो पहले से ही किया जाता था, वाटर अवेलेबिलिटी बना करके रखी जाएगी. अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली जो किंगडम है वो डिसइंटीग्रेट, मतलब लोगों के कारण से ही हो जाएगा. तो बहुत जरूरी होता है कि लोगों को अपने साथ में लेकर के चलना, और इसलिए जितनी भी सुविधाएं करनी है वो सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी. द इरिगेशन टैंक एट महेंद्रवड़ी एंड मामंदूर वॉज डग ड्यूरिंग द रीन ऑफ महेंद्र वर्मन. तो बेसिकली दो जगह है यहां पर जो है वो डग किए गए थे इरिगेशन टैंक्स. अगेन नाम याद रखिएगा क्या नाम है इनका और क्या किया गया है. इसके अलावा जो लैंड टैक्स है, इट वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, और इनफैक्ट ये हर जगह का, इनफैक्ट आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की मेन रिवेन्यू सोर्स है वो टैक्स ही होती है. ऑल दो हमारे पास इस समय जो टैक्स में कॉरपोरेशन टैक्स है वो ज्यादा है, तो उस पर हम लोग ज्यादा, मतलब कह लीजिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होती है, लेकिन यहां पर लैंड टैक्स वॉज द प्राइमरी टैक्स. और लेकिन यहां पर भी जो ब्रह्मदेय, मतलब जो ब्राह्मणों को और देवताओं को दिया गया लैंड होती है वो टैक्स फ्री होती थी, वहां पर टैक्स नहीं लिया जाता था. पल्लव इंस्क्रिप्शन शोज थ्रोज मच लाइट ऑन द विलेज असेंबली इज कॉल्ड सभा एंड देयर कमिटीज. दे मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल विलेज लैंड लुक्ड आफ्टर लोकल अफेयर एंड मैनेज्ड टेम्पल. तो बेसिकली मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ ए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेयर ऑफिसर्स आर बीइंग अपॉइंटेड टू कंट्रोल देयर टेरिटरीज. जैसे सामंत के साथ भी होता था वैसे ही सेम यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा. सोसाइटी के बारे में अगर बात किया जाए यहां पर, तो पल्लव पीरियड ऑल्सो विटनेस द राइज ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म. लेकिन जो बुद्ध और जैन धर्म है ये बेसिकली डिक्लाइन पे आ गया था, और ये डिक्लाइन इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी स्टार्ट हो गया था. शैवाइट भी अपने डिवाइड हो गए थे अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे नैनार्स और अलवार्स, ये अलग अलग फॉर्मेट में टूट गया था, और ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म देखने को मिलता है. इनफैक्ट ये सारा का सारा हम लोग भक्ति मूवमेंट में बात करेंगे, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे भक्ति मूवमेंट की, तो यहां पर बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें हुई थी. भक्ति मूवमेंट में हमें कई सारी चीजें पार्ट करनी है, जैसे नैनार्स हो गया, अलवार्स हो गया, या फिर अलग अलग टाइप के और भी चीजें होती हैं. इस्लाम के भी राइज को देखेंगे, इस्लाम में भी सूफिज्म को देखेंगे, तो लॉट मोर थिंग्स आर देयर विच नीड टू बी डिस्कस, और काफी इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में हमेशा पूछा भी जाता है. देयर कैपिटल कांची वॉज एन एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग जस्ट लाइक नालंदा इन द नॉर्थ इंडिया. सेम कांची भी यहां पर जो है वो बेसिकली लर्निंग का एक सेंटर बना हुआ था. द घटिका एट कांची वॉज पॉपुलर एंड इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. आगे अगर देखा जाए तो देखिए महेंद्र वर्मन वन कंपोज द संस्कृत प्ले मत्त विलास प्रहसन, और इसके लिए हम लोगों ने बात किया ही था विचित्र चित्र और मत्त विलास प्रहसन, इसी ने लिखा हुआ था. तो ये बेसिकली एक तरीके का कह लीजिए व्यंग है, एक तरीके का क्रिटिक है. द देवरम कंपाइल्ड बाय नैनार्स एंड द नल रादिव्य प्रवधान कंपोज बाय अलवार्स प्रेजेंट द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द पल्लव पीरियड. तो अगेन जो है देखिए ये सब आपको रट्टा मारना होगा, क्योंकि ये सारी बुक्स का नाम जो है वो पूछ लिया जाता है. इसके अलावा पेरून देवनार, इनफैक्ट ये मैंने आप लोगों को वैदिक टाइम पर भी बताया था कि जो महाभारत है उसको तमिल में जो ट्रांसलेट किया गया है वो पेरून देवनार के द्वारा ही किया गया है. इसको याद करने के लिए मैंने आपको बहुत ही छोटी सी चीज बताई थी कि साउथ में देखिए पेन्नार रिवर बहती है, और इस पेन्नार रिवर में महादेव का नाम जोड़ दीजिए तो पेरून देवनार आ जाता है. तो इस तरीके से बेसिकली नाम याद कर सकते हैं इनका. इसके अलावा दंडिन रोड दशा कुमार चरित ऑन द बर्थ ऑफ कार्तिकेय, नाम याद रखिएगा केवल, अदरवाइज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके अलावा भारवी ने किराता जो नियम भी लिखी है, और ये जो बेसिकली भारवी है ये आपकी जो नरसिंह वर्मन है उनके टाइम पीरियड में ये थे.
आगे अगर देखा जाए तो देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इनफैक्ट यहाँ पर टेम्पल का काफी अच्छा एक हमें सिस्टम देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, इट वॉज अ ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, पल्लव इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल फ्रॉम द रॉक। और इन्होंने एक नई कह लीजिए कि एक नया डिजाइन लेकर के आया था, एक नई थीम लेके आई थी जो कि द्रविडियन आर्ट से थोड़ी सी अलग थी। द्रविडियन आर्ट में क्या होता था कि नॉर्मल जो भी पिक्टराइजेशन करनी होती थी वो करते थे, लेकिन यहां पर इन्होंने जितने भी रथास थे उनकी भी कार्विंग की थी। और इस जो कह लीजिए कि डिजाइन है या जो फैशन है या जो आर्ट है, इसको उन्होंने एक अलग नाम दिया था, दैट इज द मामल्ल आर्ट, मामल्ल आर्ट। और ये बेसिकली मामल्ल आर्ट ऑब्वियसली नरसिंह वर्मन वन के टाइम पीरियड पे एस्टैब्लिश हुआ होगा। तो ये बेसिकली यहां पर सीन है। अगर इनके टेंपल्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इन टेंपल को बेसिकली चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है जो महेंद्र वर्मन ग्रुप है, जो महेंद्र वर्मन वन के टाइम पीरियड में थी। ये वही विचित्र चित्र वाले हैं जो विचित्र चित्र और जो कह लीजिए कि प्रहसन लिखे हुए थे, तो इनके टाइम पीरियड का है पहला। दूसरा जो नरसिंह वर्मन के टाइम का है और इन्होंने मामल्ल ग्रुप या फिर मामल्ल यही आर्ट एस्टैब्लिश की थी। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो नरसिंह वर्मन टू के टाइम पीरियड पे आती है और इसको बुलाता है राजसिंह ग्रुप। और चौथी जो भीम ब्रांच के थे नंदी वर्मन, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, दैट इज द अपराजित ग्रुप। तो इन्होंने चार तरीके के ग्रुपिंग, चार तरीके के कह लीजिए कि लोग हैं जिन्होंने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया। अगर महेंद्र वर्मन वन के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जो अंतेश्वर टेम्पल था और साथ साथ में भैरव कोंडा टेम्पल ये बनवाया था। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं कि आखिर में इन मंदिरों को, इन टेम्पल्स को किसने बनवाया या किस पीरियड में बनी, लाइक पल्लव डायनेस्टी बोल देगा सीधे सीधे अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा। आर्ट एंड कल्चर का देखिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही बनता है। अगर आप देखेंगे जैसे कई लोग बोलते हैं, इनफैक्ट अगर आप सोच भी रहे होंगे कि मेडिवल हिस्ट्री मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, एक से दो क्वेश्चन आएगा, एट मैक्स तीन क्वेश्चन आ जाएगा और इसको तो हम स्किप कर ही सकते हैं। देखिए अगेन ये जो थिंकिंग है ये गड़बड़ थिंकिंग है। आप ये सोचिए कि अगर इस मेडिवल हिस्ट्री को आप पढ़ करके जाते हैं और आप इन्हीं तीन क्वेश्चन में से, मैं कह रहा हूं कि तीन नहीं दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है वो लोगों से, बाकी लोगों से कह लीजिए कि जो है 4.66 मार्क्स का एडवांटेज लेके रखे हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन आ गया, तीनों के तीनों अगर आप कर ले गए तो आप जो है यहां पर नियर अबाउट जो है 7 मार्क्स का एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर के रखे हुए हैं। तो ये आपको कुछ नहीं तो 4 लाख 5 लाख लोगों से ऊपर कर देगा। तो एक छोटा सा काम करना है और आपको कितना ऊपर, आपको मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के कितने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो जनरली लोगों के द्वारा निग्लेक्ट की जाती हैं, बट एक्चुअली दे कैन बी योर पावरफुल थिंग, ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो इस वजह से इन चीजों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज है जो रट्टा मारनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप न्यूमोनिक्स बना करके किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और इन चीजों से आपको एडवांटेज काफी ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आप इसको मेंस में भी आंसर में लिखते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स देन द अदर्स। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए दूसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज द मामल्ल ग्रुप, और यहां पर जो है 7 पगोड़ाज एंड रथाज एट महाबलीपुरम बनाया गया था। यहां पर जो टेम्पल्स बनाए गए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वन इज द धर्मराज टेम्पल, दिस इज द धर्मराज टेम्पल, और ये जो धर्मराज टेम्पल है ये बेसिकली नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया था। और एक दूसरा है जो गणेश टेम्पल था, दिस इज द गणेश टेम्पल, और ये जो गणेश टेम्पल है ये परमेश्वर वर्मन वन ने बनवाया था, और दोनों टेम्पल जो है महाबलीपुरम में ही बने हुए हैं। इसके अलावा नरसिंह वर्मन टू आते हैं जो श्रो टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल बनवाते हैं, और वो कांची में बनवाते हैं। लास्टली नंदी वर्मन आते हैं और नंदी वर्मन जो है वो मुक्तेश्वर टेम्पल बनवाते हैं कांची में, और परशुरामेश्वर टेम्पल ये गुड़ी मंगलम में बनवाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टेम्पल्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है और इनके बारे में एकदम रट मारिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर नरसिंह वर्मन टू के भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में बताऊं तो यहां पर देखिए एक ऐतरेश्वर टेम्पल है, दिस इज ऐतरेश्वर टेम्पल। इसके अलावा एक और टेम्पल है, दैट इज द राज सिद्धेश्वर टेम्पल, राज सिद्धेश्वर टेम्पल। ये दोनों टेम्पल भी कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं तो इनको भी याद रखिएगा, टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
आगे अगर बात किया जाए तो म्यूजिक के बारे में बात करें तो म्यूजिक डांस एंड पेंटिंग हैड आल्सो डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लवाज द मंदूर इंस्क्रिप्शन कंटेन अ नोट ऑन द नोटेशन ऑफ वोकल म्यूजिक. इनफैक्ट हमारे पास जो म्यूजिक है वो दो तरीके की होती है, आगे बताऊंगा मैं म्यूजिक के लिए. म्यूजिक जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है जिसे हिंदुस्तानी म्यूजिक बोला जाता है जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में डेवलप्ड है, और दूसरी होती है जो कर्नाटिक म्यूजिक है. एंड दिस कर्नाटिक म्यूजिक इज हैविंग वेरी रिजिडिटी, बहुत ज्यादा रिजिड है, साउथ इंडिया में फेमस है. इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा क्रू मैनमली इंस्क्रिप्शन रेफर्ड टू म्यूजिकल नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. अलवार नयनार ये भी जो है अपने म्यूजिकल नोट बना करके रखे हुए थे. और सत्तन अवल असल पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड. देखिए ये सब चीजें अगेन आपको याद करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. एंड थोड़ा मोड़ा मे भी नाम जो है ऊपर नीचे अटपटा सा लगे, लेकिन अगेन याद आपको रखना ही है. तो इसे बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन पल्लव डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने ए टू जेड डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चालुक्य के बारे में, और चालुक्य की जो तीनों ब्रांच है उसके बारे में बात करेंगे, वेंगी के चालुक्य, वदामी के चालुक्य एंड लास्टली द कल्याणी चालुक्य. तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स पे अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने मतलब डाउट्स पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.